Hello everyone, in this video you will get to know about transmission medium which is used in the computer network. A transmission medium is a communication channel. Transmission medium kya hai? Communication channel hai that carries signals or data between the source and the destination. Wo medium, wo channel jo kya karta hai? Data ko carry karta hai, okay? Transfer karta hai from source to the destination. Fine. For example, as we switch on a ceiling fan or a light bulb, the electric wire is the medium. Jaise hi aap kya karte ho? Ceiling fan ko ya light bulb ke switch ko on karte ho. तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक वायर इज द मीडियम डेट कैरीज इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम स्विच टू द फैन और द बल्ब. राइट, तो इलेक्ट्रिक वायर जो कनेक्टेड होता है स्विच से किसके साथ, आपके फैन के साथ या बल्ब के साथ, वो क्या है, वो मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है. जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, ओके, उस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बल्ब में चले जाते हैं, फैन में चले जाते हैं, ओके, एंड दैट स्टार्ट्स वर्किंग. आपका बल्ब ऑन हो जाता है, आपका फैन ऑन हो जाता है, ओके. तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडियम है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर. जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है और जो डेटा को रिसीव कर रहा है, फाइन, उन दोनों को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए. यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा सोर्स है और हमारा डेस्टिनेशन है. तो डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम. राइट, नाउ ट्रांसमिशन की मीडियम कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. हमने ट्रांसमिशन मीडियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वी हैव गाइडेड मीडिया और वायर्ड मीडिया. जहाँ पे वायर्स का यूज होता है, केबल्स का यूज होता है, उसको आप वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं और गाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं. राइट, सेकंड वन इज वायरलेस मीडिया, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हो. राइट, और यू कैन से वेव्स का यूज़ करते हो, उसको हम कहेंगे वायरलेस मीडिया, ओके, और या उसको आप अनगाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं. राइट, नाउ वी हैव अ पिक्चर हियर. यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, ओके. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो. वायर्ड मीडिया में आप यहाँ पे कुछ वायर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ओके, जो कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जिनका यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वी हैव द ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फायर ऑप्टिक केबल. राइट, तो ये हमारा क्या है, वायर्ड मीडिया है, जहाँ पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, वायर्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है. सेकेंड क्या है आपका, वायरलेस मीडिया, जहाँ पे वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, फाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू. राइट, तो इसमें आपका रेडियो वेव्स आप यूज़ करते हो, माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं, एंड इंफ्रारेड वेव्स हम लोग यूज़ करते हैं, ओके. तो देखो यहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड रेज, तीनों कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे क्रिएटेड होती है, कैसे क्रिएट की जाती है, दे आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करते हो, वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है, फाइन, ओके. नाउ फर्स्ट वी हैव वायर्ड और गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ओके. एनी फिजिकल लिंक मेड ऑफ वायर और केबल डैट कैन कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वायर ट्रांसमिशन मीडिया. वायर ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आप फिजिकल लिंक का यूज़ करते हो. फिजिकल मीन्स जो है, जो लिंक क्या है, विजिबल है, ओके, टेंजिबल है, आप उसको टच कर सकते हो, ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वायर्स और केबल्स. राइट, तो यहाँ पे आपका डेटा कौन कैरी कर रहा है, वायर और केबल कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, एंड दैट ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड एज वायर ट्रांसमिशन मीडिया, ओके. थ्री कॉमनली यूज्ड गाइडेड और वायर्ड मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन आर, जो सबसे कॉमन क्या है, वायर्ड मीडिया है, वो क्या है आपका, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फायर ऑप्टिक केबल. राइट, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. तो यहाँ पर हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करते हैं, ओके. दीज टू केबल्स कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है. वेयर एज ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज द लाइट सिग्नल्स. बट ऑप्टिकल फाइबर जो आपका केबल होता है, वो किस फॉर्म में डेटा को कैरी करता है, लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को कैरी करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर.
Now here we have twisted pair cable. A twisted pair cable consists of two copper wires twisted together. Twisted pair आपका कैसे बनता है? आपने यहाँ पे दो copper wires को एक दूसरे के अंदर twist किया हुआ है. Fine. Both the copper wires are insulated with plastic covers. यहाँ पे जो copper wire है उनके ऊपर आपने plastic cover को चढ़ाया है जिससे insulation provide हो सके. एक wire का signal दूसरे wire के अंदर transfer ना हो. Usually a number of such pairs are combined together and covered with a protective outer wrapping. तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा twisted pair को एक protective outer wrapping, outer covering के अंदर enclose कर सकते हो, right? Okay? तो जो twisted pair आपका cable बना है, उसके अंदर क्या है? Multiple twisted pair cable है, fine? Okay. Now here we have the use of twisted configuration minimize the effect of electrical interference from similar pair close by. ठीक है, तो यहाँ पे जो twist किया गया है wires को, उसका क्या use होता है? उस ट्विस्ट करने से जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, मतलब एक पेयर की इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, मतलब एक पेयर के सिग्नल्स दूसरे पेयर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं. ओके, फिर से पढ़ते देखो. द यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम द सिमिलर पेयर्स क्लोज बाय. फाइन, तो एक दूसरे से ट्विस्ट करने में, जहाँ पे कॉपर वायर्स को आपने ट्विस्ट किया हुआ है, तो क्या होता है? जो और पेयर्स आपने एक प्रोटेक्टिव रैपिंग के अंदर कवर किए हुए हैं, या और यू कैन से एनक्लोज किए हुए हैं, तो यहाँ पे एक पेयर के सिग्नल दूसरे पेयर के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं. ओके, ट्विस्टेड पेयर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन टेलीफोन लाइन्स एंड लेंस. तो ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं? लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, और इनका यूज़ टेलीफोन लाइन्स में और लोकल एरिया नेटवर्क्स क्रिएट करने में किया जाता है. दीज केबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल्स टू टाइप्स के होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP and shielded twisted pair. Okay, so first we have the difference between unshielded twisted pair versus shielded twisted pair. Okay, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. Unshielded twisted pair is made up of insulated copper wires ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर. ओके, तो यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या है? एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट हैं. दिस केबल कैन ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल शील्ड फॉर दिस पर्पस. तो यहाँ पे क्या है? आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है. ओके, और उसको एक आउटर कवरिंग ने एनक्लोज किया हुआ है, कवर किया हुआ है. फाइन, इसके अलावा और कोई दूसरा एक्स्ट्रा शील्ड नहीं है, राइट? इट इज़ एम्प्लॉयड इन टेलीफोनिक एप्लीकेशन. इसका टेलीफोनिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ वी हैव द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP. पहले क्या था? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं थी. ओके, एक सिंपल प्लास्टिक कवरिंग थी टू एनक्लोज टू कवर द पेयर्स, राइट? नाउ वी हैव द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP. केबल्स कम विद ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड वायर पेयर कवर्ड इन मेटल फॉयल और मेटल शील्ड. तो यहाँ पे क्या है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में एक एक्स्ट्रा मेटल शील्ड से इसको कवर किया गया है, विच प्रिवेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जो बाहर के डिस्टर्बेंस को रोकती है. नॉइस एंड क्रॉस टॉक. ठीक है, क्रॉस टॉक क्या होता है? जब एक कम्युनिकेशन मीडिया के सिग्नल दूसरे कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर जाके इंटरफेयर करते हैं. फाइन, ओके, तो अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं. फाइन, तो इसको ये रोकती है. इट इज़ यूटिलाइज्ड इन हाई डेटा रेट इथरनेट. तो इथरनेट केबल क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज़ किया जाता है. एंड टेलीफोनिक एंड टेलीफोन वॉइस एंड डेटा चैनल्स, और टेलीफोन लाइन्स बनाने के लिए भी आपका ट्विस्टेड पेयर, मीन्स कौन से ट्विस्टेड पेयर का? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज़ किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है. अनशील्डेड के अंदर आपका मेटल शील्ड नहीं है, और बट आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर मेटल शील्ड है. फाइन, ओके, नाउ वी हैव द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. एडवांटेज क्या है? इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. इट हैज़ अ लो वेट. इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, इट कैन बी ईजिली कनेक्टेड. आप ईजिली इसको कनेक्ट कर सकते हो. इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. और ये वायर बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ इनकैपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द यूज़ ऑफ रिपीटर्स. अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस में ये सिग्नल कैरी नहीं कर सकते, जब तक कि आप रिपीटर्स को नहीं लगाओगे इन बिटवीन.
फाइन। तो आप अगर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो बीच में आपको रिपीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा टू रीजनरेट द सिग्नल्स, फाइन। ड्यू टू लो बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अ कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कितना डेटा ट्रांसमिट होता है एक कनेक्शन से एक पर्टिकुलर टाइम में, ओके। ड्यू टू लो बैंडविड्थ, तो इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, लो होती है, मींस ये बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। दीज आर नॉट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन, तो ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता ट्विस्टेड पेयर केबल, ओके। नेक्स्ट वी हैव कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोएक्सियल केबल है, ओके, जो कैसे क्रिएट होता है, कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल। कोर ऑफ द कोर क्या होता है, द वायर दैट इज कनेक्टेड टू द कनेक्टर, यहाँ पे हम किसको कनेक्ट करेंगे, हम कॉपर वायर को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर के साथ, ठीक है। तो जो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो इसका कॉपर कोर है, फाइन। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल विच इज सराउंडेड विद इंसुलेटिंग मटीरियल। अब इसको इससे किससे कवर किया गया है, इंसुलेटिंग मटीरियल से कवर किया गया है, ओके। द इंसुलेटर इज फर्दर सराउंडेड विद एन आउटर कंडक्टर, और इंसुलेटर को भी एक आउटर कंडक्टर से कवर किया गया है, यूजली अ कॉपर मैश, ओके। तो यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉपर कोर है, उसको आपने इंसुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल को भी कवर किया गया है आउटर कंडक्टर से, ओके। दिस आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक कवर, अब ये जो आउटर कंडक्टर है उसको भी प्लास्टिक कवर के अंदर रैप किया गया है, ओके। तो यहाँ पे थ्री कवरिंग्स प्रोवाइड की गई हैं कॉपर कोर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द की टू सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज इट्स शील्डेड डिज़ाइन, यहाँ पे कितनी ज़्यादा शील्ड प्रोवाइड की गई है कोएक्सियल केबल के अंदर, तो यहाँ पे इसकी जो सक्सेस है वो क्या है, इसकी शील्डेड डिज़ाइन है डेट अलाउज द केबल्स कॉपर कोर टू ट्रांसमिट डेटा क्विकली। यहाँ पे देखो, कोई भी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं आ सकती क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो यहाँ पे जो कॉपर कोर है वो इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब आउटर इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं आएगी, ओके। इसको ओके, कोएक्सियल केबल इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन, तो इसी वजह से कोएक्सियल केबल क्या करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है। कोएक्सियल केबल प्रोवाइड अ चीप मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज, तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है केबल टीवी प्रोवाइड करने के लिए, ओके, बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट मल्टीपल चैनल्स, राइट। तो यहाँ पे जो कोएक्सियल केबल है वो क्या है, एक चीप मीन्स है, एक सस्ता साधन है मल्टीपल चैनल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, ओके, सिटीज के अंदर। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय लार्ज कॉरपोरेशंस इन बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स, और इसका बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी यूज़ किया जाता है, ओके। एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट ट्विस्टेड पेयर केबल से बेटर है, ज़्यादा है, ओके, ये ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करता है विद इन अ गिवन टाइम। द कोएक्सियल केबल कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है, दैट इज सेवरल चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली एज विद द केबल टीवी, केबल टीवी कनेक्शंस के लिए भी कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है क्योंकि कोएक्सियल केबल एक साथ मल्टीपल चैनल्स को ट्रांसफर कर सकता है, फाइन। नाउ वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल, एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। एज अ कोएक्सियल केबल हैज मल्टीपल लेयर्स, इट इज़ वेरी बल्की, और कोएक्सियल केबल बहुत ज़्यादा बल्की होता है, हैवी होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और ग्लास लाइक मटीरियल। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इट इज़ लाइक अ ग्लास स्ट्रैंड, ओके, ग्लास के धागे की तरह होता है, विच कैरीज लाइट, जो लाइट को कैरी करता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, फ्रॉम सेंटर टू द रिसीवर, ओके। अ थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड ऑफ ग्लास एट द सेंटर इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग, और ये जो थिन स्ट्रैंड होता है ग्लास का वो किससे कवर होता है, वो क्लैडिंग से कवर होता है, राइट, ओके। दिस होल अरेंजमेंट इज कवर्ड विद एन आउटर जैकेट मेड ऑफ पीवीसी और टेफ्लन,
और ये जो पूरा यहाँ पे सबसे जो इंटीरियर है, जो सबसे अंदर है, वो क्या है, थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास है जो डेटा को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसके ऊपर एक क्लैडिंग, वो लेंस डेंस ग्लास है, और उसके ऊपर क्या है, एक कवरिंग है ओके मेड अप ऑफ पीवीसी और टेफलन। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को ट्रेवल करता है। फाइन, इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव्स। तो यहाँ पे मैसेजेस को लाइट वेव्स के ऊपर मॉड्यूलेट किया जाता है ओके, एंड देन इसको ट्रांसफर किया जाता है। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स बेटर नॉइस इम्यूनिटी। ऑप्टिकल फाइबर से बहुत ज़्यादा नॉइस इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है ओके, इसके अंदर नॉइस नहीं पहुँचती है, नॉइस का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई सिक्योरिटी। ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट डेटा, ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर करते हैं विद हाई सिक्योरिटी। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ हाई, इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत हाई है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर ऑफ लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट के होते हैं, बहुत ही कम वेट होता है इनका। इट हैज़ हाई बैंडविड्थ, राइट, इसकी बैंडविड्थ हाई है ओके। इट कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ गिवन टाइम, विच मीन्स हाई डेटा ट्रांसफर रेट। इसकी बैंडविड्थ हाई है, इसका मतलब है इसका डेटा ट्रांसफर रेट भी हाई है ओके। नाउ वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक फाइबर्स आर एक्सपेंसिव एंड यूनिडायरेक्शनल। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मीन्स एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करेगा। टू केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगर आपको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर, तो आपको दो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। फाइन, ऑप्टिकल फाइबर्स आर क्वाइट फ्रेजाइल, दैट्स वाई नीड स्पेशल केयर विद इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे ग्लास फाइबर से बनता है तो ये बहुत ही क्या होता है, कोमल होता है ओके, तो इजली ये ब्रेक हो सकता है, तो इसको इंस्टॉल करते हुए बहुत ही स्पेशल केयर की जाती है। वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बेस्ड ऑन देयर फ्रिक्वेंसीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रिक्वेंसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में बांटी गई हैं ओके, कैटेगराइज की गई हैं। दीज कैटेगरीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं वो किसके अकॉर्डिंग की गई हैं, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज। फाइन, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रिक्वेंसी है, उसके ज़्यादा माइक्रोवेव की है, देन इंफ्रारेड वेव्स की है, देन उससे ज़्यादा विजिबल लाइट की है, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, देन एक्सरेज की इससे ज़्यादा है, एंड गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। Out of these, radio waves, microwaves and infrared waves are used for wireless communication. तो wireless communication के लिए radio waves, microwaves and infrared waves का use किया जाता है ओके। सो फर्स्ट वी हैव रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स हैव फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 kHz टू 1 GHz। रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है 3 kHz टू 1 GHz। These waves are omnidirectional in nature. जो आपका रेडियो वेव्स हैं वो क्या है, omnidirectional है। omnidirectional means ये चारों दिशाओं में फैलती है ओके, which means that they can travel in all directions। इसका मतलब है कि ये हर direction में जाती हैं। They are widely used for communication between both indoor and outdoor because they have the property that they can penetrate through the walls very easily। तो इनका बहुत ज़्यादा use किया जाता है indoor communication के लिए, outdoor communication के लिए, क्योंकि ये क्या कर सकती हैं, ये solid object को penetrate कर सकती है, wall के आस पास जा सकती हैं, right? These waves are usually used for AM and FM radio radio। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है FM radios के लिए, टेलीविजन के सिग्नल्स के लिए, सेलुलर फोन सिग्नल्स के लिए, वायरलेस लेंस के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप लोकल एरिया कनेक्ट, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो ओके।
एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स आर इजी टू जनरेट, इनको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है. रेडियो वेव्स ऑफर मोबाइलिटी एट लोअर प्राइस, तो यहाँ पे ये बहुत ही कम प्राइस पर डेटा ट्रांसफर एबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है. फाइन, इट हैज़ अ वेरी लो सेटअप प्राइस एज इट डजंट नीड डिगिंग एंड लेइंग द केबल्स. ये क्या है, एक वायरलेस मीडियम है जहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है डिगिंग करने के लिए या फिर केबल्स लगाने के लिए. ये आपको बहुत ही कम प्राइस पर डेटा ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. रेडियो वेव्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है. नो लैंड एक्विजिशन राइट इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको लैंड एक्विजिशन नहीं चाहिए. ओके, इट प्रोवाइड ईज ऑफ ट्रांसमिशन इन कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफिकल कंडीशंस. कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफिकल कंडीशंस में भी ये इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सकती है. फाइन, नाउ वी हैव द डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो वेव्स. रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज एन इनसिक्योर कम्युनिकेशन. रेडियो वेव कम्युनिकेशन क्या है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन है. इसको ट्रैप किया जा सकता है. इट गेट्स इफेक्टेड बाय द वेदर, और ये वेदर से इफेक्ट हो जाती है. लाइक रेन, थंडर स्टॉर्म्स में क्या होता है, ये वेव्स क्या होती हैं, इफेक्ट हो जाती है, डेटा ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं. फाइन, नाउ नेक्स्ट वी हैव माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हैव फ्रिक्वेंसी रेंज बिटवीन 1 GHz टू 300 GHz. तो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 GHz से 300 GHz तक है. ओके, माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल. माइक्रोवेव क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी. दे कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन. फाइन, माइक्रोवेव्स कैन नॉट पेंट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स, हिल्स एंड माउंटेन्स. तो ये रेडियो वेव्स की तरह सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेंट्रेट नहीं कर सकती हैं. ओके, माइक्रोवेव्स नीड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन. तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन चाहिए. मीन्स ये एक ही लाइन में ट्रेवल करती है. बहुत कम्युनिकेशन एंटीना मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, राइट. तो माइक्रोवेव्स कैसे डेटा ट्रांसफर करेगी, जब आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो. लाइक आप फिगर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, रिसीवर को डेटा रिसीव करने के लिए उसी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए. फाइन, ओके. माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट. तो माइक्रोवेव क्या है, एक ही लाइन में डेटा ट्रांसफर करती है. ओके, पॉइंट टू, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा सकती है, और यू कैन से यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा सकती है. लाइक आपका सैटेलाइट हो गया, रडार कम्युनिकेशन हो गया, राइट. माइक्रोवेव्स प्रोवाइड वेरी लार्ज इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी. इसकी जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. ओके, दे आर यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल सच एज मोबाइल फोन कॉल्स. माइक्रोवेव्स का यूज मोबाइल फोन कॉल्स के लिए, मोबाइल फोन कॉल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, राइट. एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन अलाउज फॉर वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर, मेकिंग इट यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट एंड इंटरनेट कनेक्शन. तो माइक्रोवेव्स क्या है, बहुत फास्ट ट्रांसफ़र करती है डेटा को, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है. टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है. वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मेकिंग इट यूजफुल फॉर कनेक्टिंग रिमोट एरियाज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो माइक्रोवेव्स क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, इसलिए इनको इनका यूज़ किया जाता है रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, रिमोट एरियाज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए. फाइन, सेटिंग अप अ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी लेस एक्सपेंसिव दैन लेइंग केबल्स और बिल्डिंग टावर्स फॉर अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन. तो यहाँ पे ये वायर्ड ट्रांसमिशन से क्या है, चीपर है, चीपर ट्रांसमिशन मीडिया है. फाइन, ओके, ये लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द वायर्ड ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन बी एनक्रिप्टेड, मेकिंग देम मोर सिक्योर देन सम अदर फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. माइक्रोवेव्स के थ्रू जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको आप एनक्रिप्ट कर सकते हो, कोडेड फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो यहाँ पे माइक्रोवेव क्या करिए, एक सिक्योर वे में डेटा को ट्रांसफ़र करिए. ओके, नाउ वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव. हैवी रेन, स्नो और फॉग्स कैन इंटरफेयर विद माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड कॉज डिसरप्शंस इन सर्विस. तो अगर वेदर ख़राब है, बहुत ज़्यादा रेन है, स्नो है, फॉग है, तो माइक्रोवेव क्या से डेटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है. फाइन,
माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रिक्वायर अ क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. अब यहाँ पे ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर करती है. तो इट इज़ द रिक्वायर्ड दैट ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक ही लाइन में हों, राइट, विच कैन बी अफेक्टेड बाई बिल्डिंग्स और नेचुरल ऑब्स्टेकल्स, जो अफेक्ट हो सकता है बिल्डिंग्स के थ्रू या फिर कुछ और नेचुरल ऑब्स्टेकल के थ्रू, राइट. सम स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू माइक्रोवेव्स फ्रॉम ट्रांसमिशन टावर्स कुड बी हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ. तो यहाँ पे कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनसे ये पता गया कि अगर बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव्स के संपर्क में लोग आते हैं तो उससे हेल्थ हजार्ड भी हो सकते हैं, हेल्थ भी खराब हो सकती है, फाइन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन बी डिसरप्टेड बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज रडार सिस्टम, सेलफोन्स डेट ऑपरेट ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी. अगर सेम फ्रिक्वेंसी पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को डिसरप्ट कर सकता है, ओके, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, फाइन. नाउ वी हैव द इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन. इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए. अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 meters के कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है, ओके. दे कैन नॉट पेंट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सच एज वॉल्स. इंफ्रारेड वेव्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेंट्रेट नहीं कर सकती हैं, ओके, उनके आर पार नहीं जा सकती हैं. दे आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है छोटे डिस्टेंस के लिए और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है. सच एज रिमोट कंट्रोल्स दैट आर यूज फॉर, जैसे आप किसका यूज़ करते हो, रिमोट कंट्रोल्स का यूज़ करते हो. जब आप रिमोट कंट्रोल को का यूज़ करते हो तो जो वेव ट्रांसफ़र होती है वो इंफ्रारेड वेव होती है, ओके. जब आप अपना टीवी स्विच ऑन करते हो या डीवीडी प्लेयर स्विच ऑन करते हो या एसी स्विच ऑन करते हो, स्टूडियो सिस्टम ऑन करते हो विद द हेल्प ऑफ द रिमोट कंट्रोल्स, तो वो क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो कमांड ट्रांसफ़र होती है, वो इंफ्रारेड वेव्स की हेल्प से ट्रांसफ़र होती है, ओके. It is a line of sight transmission. ये भी line of sight transmission है. So information passed to one device is not leaked to another device. So एक device से दूसरे device में information जो pass हो रही है, right, वो दूसरे device में transfer नहीं होती है, leak नहीं होती है. जैसे आपने देखो remote से आपने TV को switch on किया, यहाँ पर जो rays travel हो रही हैं TV को switch on करने के लिए, वो कौन सी हैं, infrared radiations हैं, fine. Now we have advantages of infrared waves. It provides secured communication due to line of sight or point to point mode of communication. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, फाइन. तो ये क्या है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन है, फाइन. द बैटरी यूज इन इंफ्रारेड डिवाइसेज लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ड्यू टू लोअर पावर कंजप्शन. तो इंफ्रारेड डिवाइस जो बैटरीज यूज करते हैं वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चल सकती है, क्योंकि इंफ्रारेड रेज बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है, ओके. इंफ्रारेड मोशन सेंसर डिटेक्ट मोशन इन डे टाइम एंड नाइट टाइम रिलायबली. तो जो इंफ्रारेड जो डिवाइसेस होते हैं, राइट, उसके सेंसर्स डे टाइम में भी और नाइट टाइम दोनों टाइम वर्क कर सकते हैं इजीली. इट प्रोवाइड्स अ वायरलेस कनेक्शन बिटवीन टू सिस्टम. तो यहाँ पे देखो वायरलेस कनेक्शन है बिटवीन टू सिस्टम्स, राइट. तो इंफ्रारेड वेव्स वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करती है दो सिस्टम्स के बीच में. देयर इज़ नो लाइसेंस नीडेड टू फैसिलिटेट इट. इंफ्रारेड रेज को यूज़ करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसीज आर अफेक्टेड बाय हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल, डोर, स्मोक, डस्ट, फॉग, सनलाइट एक्सेट्रा. तो ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में बैठे हो और आप दूसरे रूम में रख के टीवी को स्विच ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि वॉल्स को पेंट्रेट नहीं कर सकती, राइट, ओके. हैंस इट डजेंट वर्क थ्रू द वॉल्स और डोर्स. तो वॉल्स के थ्रू या डोर्स के थ्रू ये पेंट्रेट नहीं कर सकती. इंफ्रारेड वेव्स एट हाई पावर कैन डैमेज आइस. अगर आप बहुत इंफ्रारेड वेव्स को का यूज़ कर रहे हो, राइट, और आप उसको देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी आइज़ को डैमेज हो सकता है, फाइन. इट रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर टू कम्युनिकेट. तो यहाँ पे जो रिसीवर है और ट्रांसमीटर है वो एक ही लाइन में होने चाहिए, फाइन, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है.
फाइन, इट सपोर्ट्स शॉर्टर रेंज एंड हैंस इट परफॉर्मेंस डिग्रेड्स विद लॉन्गर डिस्टेंस। तो इंफ्रारेड रेज कैसे वर्क करती हैं, एक छोटे से डिस्टेंस पे ही वर्क करती हैं, तो अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट सपोर्ट्स लोअर डेटा रेट ट्रांसमिशन कंपेयर टू द वायर्ड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, कम डेटा ट्रांसफर हो रहा है एज कम्पेयर टू द वायर्ड ट्रांसमिशन। वायर ट्रांसमिशन में आप ज़्यादा डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।